आ गया बिल्कुल नीचे। भाई देख लो चारों तरफ से। इस टाइप में फंसा दी गई, नीचे भी आप देख लो ये पूरी यहाँ से दीवार ऊपर तक जाएगी। आई शेप की ईंटें भाई ये लगी सामने। और गाइस हाईवे के दूसरी साइड अंडरपास भाई यहाँ पे पूरा खोद दिया गया है। जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो गाइस एक बार फिर से मैं आ गया हूँ हाईवे की तरफ। सो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अंडरपास बना हुआ है, ठीक है गाइस। और इसके जो साइड से आप देख रहे हैं मिट्टी खाली है। तो ये मिट्टी क्यों खाली है यहाँ पे, तो मैं बता दूँ यहाँ पे जो अंडरपास बने हुए हैं ना उनके साइड से सपोर्टें लग रही हैं ताकि मिट्टी हाईवे की नीचे ना गिरे। तो अभी तो यहाँ पे गड्ढा खोद दिया गया है, इसके बाद में यहाँ पे पक्की दीवारें बनाई जाएंगी है ना, और वो ईंट भी दिखाऊंगा जो इसमें इस्तेमाल करी जाएगी। सो गाइस अभी मैं नीचे ही खड़ा हूँ अंडरपास से और जाऊंगा हाईवे के मेन लेन के ऊपर, तो दिखाऊंगा वो ईंटें कैसी हैं है ना। तो वो यहाँ पे नीचे लगा दी जाएंगी और पूरी हाईवे के बराबर तक ये सपोर्टें जानी है। सो गाइस देख लो क्रेन मशीन ने कितना यहाँ पर गड्ढा कर दिया है। इसके नीचे गाइस दिखाते हैं आपको गड्ढा। तो गाइस ये कुछ गड्ढा है भाई, साइडों से मिट्टी इतनी यहाँ पे खोद के, और गाइस ऊंचाई देख रहे हैं यहाँ की भाई, पूरी मिट्टी ऊपर तक फैला दी है और यहाँ पे पूरा गड्ढा गड्ढा कर दिया है। और अंडरपास की जो नीचे वाली दीवार है ना वो तक दिख गई है भाई, इतना खोद दिया है। यहाँ पे सपोर्टें लगेंगी अंडरपास की ताकि मिट्टी नीचे ना गिरे। और गाइस ये एक साइड खुदा हुआ है और दूसरी साइड जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरी साइड भी खुद जा आ गया बिल्कुल नीचे। भाई देख लो चारों तरफ से भाई इतना। एक सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और गाइस एक सुकून सा मिलता है यहाँ के भाई अंडरपास के नीचे। भाई पूरा अब तो ये अंडरपास पूरा कंप्लीट हो गया है, ये बीच का रह गया खाली है ना। ये आप देख रहे हैं ये बीच के यहाँ पे जो काम होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। और गाइस ये हम आ गए दूसरी साइड इसके। और गाइस अभी चलते हैं हाईवे के मेन लेन पर और दिखाते हैं वो ईंटें दिखाएँ। Thank you.
से खुदाई हुई है। तो गाइस वापस से मैं हाईवे के मेन लेन पे आ गया हूँ। गाइस देख लो भाई, चारों तरफ से एकदम बढ़िया फ्रेश रोड। और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ना, वो सामने दूर अंडरपास है, एक तो मेरे गांव के साइड है, तो उसका तो मैंने जो अंडरपास की सपोर्टें लग रही हैं उसका वक्त मैंने दिखा दिया है ना। और अब जा रहा हूँ आगे वाले अंडरपास पे, तो वहाँ पे सपोर्ट का काम है, वो भी मोस्टली आधा हो चुका है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे दिखाएंगे कितना वर्क और रह गया है। तो गाइस इतनी दूर से आप सामने देख रहे हैं, तो वहाँ तक तो ये रोड पड़ गया है। और आगे देखो गाइस, ये कंक्रीट वाला जमाया गया है ये, है ना। और यहाँ पे अभी डंपिंग का काम चल रहा है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मिट्टी का ढेर लगा दिया है भाई, मिट्टी मिट्टी। हम उस वाले अंडरपास पे आ रहे हैं सामने, है ना। और गाइस यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे काम चल रहा है। और गाइस अभी आगे जा रहे हैं ना, अंडरपास की सपोर्टें लग रही हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला था। तो बस उसके पास में पहुंच के मैं आपको पूरा दिखा दूंगा कि कैसे सपोर्टें यहाँ पे लग रही हैं। और गाइस हाईवे से एक बार मैं नीचे दिखा दूँगा आपको, भाई पूरी यहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी गई है इसकी। गाइस देख लो पूरे की यहाँ पे बाउंड्री है, कुछ यहाँ पे टूट गई है पानी वजह से, है ना। और गाइस वहाँ तक आप देख लो, गाइस फाइनली हम उस जगह पे पहुँचने वाले, 50 मीटर और। तो गाइस फाइनली हम अंडरपास की सपोर्ट वाली जगह पे पहुँच गए भाई। गाइस ये देख लो सपोर्ट है भाई, ये ईंटें है ना इस टाइप से रख दी जाती हैं भाई, बजरी पड़ी है उसके ऊपर, ये रबड़ की जाली है एक, है ना। तो इस टाइप में ये ईंटें फंसा दी जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, ये देख लो गाइस। इस टाइप में फंसा देगी, नीचे भी आप देख लो ये पूरी यहाँ से दीवार ऊपर तक जाएगी, अंडरपास के ऊपर तक। और साइडों से यहाँ पे बजरी भरी है, बजरी भरने के बाद में आगे मिट्टी है उसके ऊपर जाली पड़ी है गाइस पूरे पे, तो इतनी चौड़ी गाइस विथ देख रहे हो उसकी भाई, काफ़ी होगी 10 फिट तो होगी, 10-12 फिट होगी। गाइस ये रहा अंडरपास का रास्ता जिस जगह मैं खड़ा हूँ, और ये रहा सामने अंडरपास, अभी तक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये देख लो भाई दूसरी साइड अंडरपास की, भाई यहाँ पे भी ईंटें फंसा दी गई इस टाइप से पूरी, यहाँ पे भी ईंटें फंसा के और इसे भी पूरा उठा देंगे अंडरपास के बराबर तक। तो गाइस यही अंडरपास की सपोर्ट का वर्क था जो मैंने आपको बोला था, भाई मैंने पूरा आपको दिखा दिया। और गाइस पूरा एकदम चिकना कर दिया है। तो गाइस इसकी जो ईंटों के किनारे भाई बजरी डाली गई है ना, ये बजरी क्या करती है मिट्टी को कट नहीं देती, इसलिए साइड से यहाँ पे बजरी डाली गई है ताकि मिट्टी कटे नहीं और पानी आसानी। Thank you.
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना नहीं बोले। सो गाइस ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको लेके आता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई लोकेशन पे, तब तक के लिए जय हिंद।